गाइस अभी यहाँ गुलाब कट हो रहे हैं, फिर पूरे गुलाब हम लोग गाइस माशाल्लाह पूरी बिल्डिंग को सजाया देगा, पूरा एंट्रेंस कितना अच्छा। सो गाइस मैं उठ चुकी हूँ 4:10 को, तो जो मेन टाइम रहता है गाइस सुबह का वक्त होता है। माशाल्लाह फातिया भी हो गई, नमाज भी हो गई, अभी फातिया का पानी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शेख सिस्टर्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो अभी चल रही है हम लोग के घर पे प्रिपरेशन ईद मिलाद के लिए, तो ऑलमोस्ट हम लोग का घर सज चुका है। ऐसे तो हम लोग हमेशा फजर में उठते हैं, तभी हम लोग थोड़ा बहुत करते हैं जो भी फूल वगैरह, बट आज हम लोग इस बारी अभी से हाँ क्योंकि शब लग चुके तो अभी से हम लोग सजा रहे हैं। तो एक बार पूरा रेडी हो जाए तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। गाइस अभी यहाँ गुलाब कट हो रहे हैं, फिर पूरे गुलाब हम लोग दीवार पे चिपकाएंगे। सो गाइस हमारा डेकोरेशन चालू है छोटा मोटा सा, 12 रबीउल अव्वल है कल, माशाल्लाह लाइट्स वगैरह लग गई है, और ये तोरण भी लग गया था यहाँ तोरण। और थोड़ा गुलाब से सजा रहे दीवार, हर साल हम लोग लगाते हैं इसे इंशाल्लाह हमारे सरकार के आने की खुशी में, और करना भी चाहिए, ये हमारी ईद से बढ़कर है ये। गाइस माशाल्लाह पूरी बिल्डिंग को सजाया देगा, पूरा एंट्रेंस कितना अच्छे से सजाया हुआ। कल का मतलब तैयारी करना है सब। सो गाइस पूरा माशाल्लाह मिरर इतना अच्छा सजा हुआ है ना, तो इसके कैमरे में पता नहीं शाना का फोन खराब होता जा रहा है ना, शाना कैमरा खराब हो रहा है, अभी जाके तो ऑन हुआ कैमरा, ब्लर ब्लर हो रहा है वीडियो भी शाना देखो। तो अच्छा लग रहा है ना सजा हुआ, दिखाई रही हूँ। सो गाइस मैं उठ चुकी हूँ 4:10 को, तो जो मेन टाइम रहता है गाइस सुबह का वक्त होता है, सुबह फजर के वक्त हमारे हुजूर की विलादत का टाइम है गाइस। तो सुबह उठ के नाज शरीफ और सलाम पढ़ना चाहिए, तो मैं सुबह का वक्त और उसी वक्त सोते पड़े रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं अलार्म लगाई थी तो मैं उठ गई हूँ, अभी मैंने रखी हूँ कोयला गर्म करने के लिए। सो गाइस यहाँ पर कोयला गर्म करने रखी हूँ क्योंकि मैं घर में लोबान कर दूँगी पूरा। अम्मी लोग को उठा रही हूँ, कब से उठ रहे हैं, वापस से उठाती हूँ क्योंकि अभी अजान जल्दी हो जाती है फजर की। सो गाइस माशाल्लाह से नाज शरीफ पढ़े मैं और अम्मी सलाम पढ़े और इतना अच्छा लग रहा है, और अभी बज रहे हैं 6:30, नमाज भी हो गई है फजर की, और इतना अच्छा लग रहा है ऐसे बैठ के, बाहर का नज़ारा माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है, मैं दिखाती हूँ। सो गाइस ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत लग रहा है, सुबह हो गई, मेरे सरकार की आमद हो गई गाइस। और गाइस अभी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो अम्मी चाय बना रहे हैं और रोटी है रात की, तो चाय रोटी खा के फिर हम लोग सो जाएंगे। वैसे तो मैं सोची थी नाश्ता लाऊंगी जाके नीचे से, बट अभी नाश्ता लेने जाएंगे 100 रुपया चला जाएगा, तो इससे अच्छा मेरी रोटी चाय रोटी खाते। सो गाइस ये देखो अम्मी ने थोड़े घी में, ज़्यादा घी में नहीं थोड़े से घी में ऐसे तले है रोटी, ये चाय, मस्त सुबह हो गई है माशाल्लाह। हम लोग 4 बजे से उठे और ताज्जुद पढ़े, फजर पढ़े, फिर सलातुस्सलाम, दरूद, नाते पाक सब हो गया, हमारे सरकार की आजामत हो गई, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह क्या बात है। तो अभी चलो नाश्ता करते सो जाते। हाँ सो गाइस सुबह हो गई, मतलब 1:30 बज रहा है अभी, सुबह नहीं दोपहर हो गई, मैं 12 बजे उठी और उठ के अभी मैं किचन में आ गई हूँ डायरेक्ट, नहीं पहले मैं खाई क्योंकि ना मेरे हाथ पैर बहुत कांप रहे थे गाइस, मेरे को इतना टाइम हो गया 1.5 महीना होने आया डाइटिंग करके, मेरे को कभी सुबह उठ के हाथ पैर नहीं कांपे, इवन मैं रात को 8-8:30 बजे खा लेती थी, फिर सुबह उठ के मैं जिम भी जाती थी, जिम से आने के बाद मैं नाश्ता करती थी 12 बजे, तब भी कभी हाथ पैर नहीं कांपे, पता नहीं अभी क्यों हुआ आज ऐसे, आज तो जिम भी नहीं गई हूँ। तो ठीक है चलो मैंने तो नाश्ता कर ली, पेरू खाई, पोहा खाई,
तो अभी थोड़ा सुकून लग रहा है पेट में। तो अभी मैं फातिया के लिए बना रही हूँ पुलाव और खीर। तो पुलाव का रेसिपी मैं नहीं दूंगी गाइस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पुराने वीडियोस, आप लोग देखो पुराने व्लॉग्स मैंने बहुत बार शॉर्ट्स में भी डाली हूँ, और पुलाव की रेसिपी मैं 2-3 बार दे चुकी हूँ, इसलिए मैं अब नहीं दूंगी पुलाव की रेसिपी। तो फटफट से मैं खीर बनाऊंगी ना। मैं लोग ने गाइस रेडीमेड बॉक्स लाए हुए हैं और उसका नाम भी शाहाना खीर है। तो ये रेडीमेड है तो ये बना दूंगी खीर। अभी फटाफट दूध चढ़ाऊंगी तो उसके अंदर ये डाल दूंगी, तो खीर तो हो जाएगी 10-15 मिनट में रेडी। बट पुलाव में पुलाव पहले बना रही हूँ, उसके बाद जब पुलाव दम पे होगा तब मैं खीर चढ़ाऊंगी। सो गाइज ये देखो पुलाव का मसाला। अच्छा गाइज यहाँ पर पुलाव दम पे मैंने रखती हूँ, और यहाँ पर ये दूध भी पक चुका है, एक उबाल आ गया है, तो ये मसाला मैं इसमें डाल दूंगी। शाहाना मसाला है गाइज, मेरा ही नाम है शाहाना खीर मसाला। 1 लीटर दूध में यखा पैकेट। माशाल्लाह फातिया भी हो गई, नमाज भी हो गई, अभी फातिया का पानी। हाँ जी बोलो। मेरा आउटफिट मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ। क्या हो गया? नमाज माशाल्लाह फातिया भी हो गई, अभी चलते खाना खाते। बहुत जोर से भूख लग रही, ये 3:30 बज गए। पुलाव बन गया, फातिया हो गया, अभी खाना खाने बैठे। हाय आधा पतीला हो गया। कैसा बना पुलाव? आज मैं रेसिपी नहीं दी पुलाव की, क्योंकि मैं पहले बहुत बार मैं रेसिपी दे चुकी हूँ पुलाव की, बहुत स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पुलाव 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 बहुत बना के दी, बोले अब नहीं दूंगी रेसिपी। है ना नी सब है ना दम फीका ही, इन लोग फिर ना बहुत फीका फीका करते, तो मैंने ना क्या करी फ्राई वाली मिर्ची डाल दी कि इसको तीखा रहे, खाने का रहेगा मिर्ची लेके खा लेना। गाइस ये सरप्राइज मिल गया हम लोग को, भाई बोला कि मैं अकेला आया हूँ झुट्टा। और ये देखो कितना इंतरारी, ये ना चुपके से आई, इतना 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 जल्दी जल्दी चल, आई आई आई, कितना इंतरारी। ये कौन सा स्टाइल है? जल्दी चिकन खाएंगे, जल्दी जल्दी कर्न खिलाती। सो गाइस ये लोग आए जरा देर में, देखो कितना आतंक मचा है, पूरे फूल तोड़ तोड़ के। अभी जा रहा है, ये रुक रहा नहीं है, भाई रुक जा, ये आया था अपनी दवा लेने बस। ऐसे पहले बोला मैं अकेले आ रहा हूँ, झूठ बोला, और इन लोगों को भी साथ में लेके आया सरप्राइज। ठंडे की दीवानी, कारा नहीं खाई। देख रही ना कैसे देख, बाप देख रहा ना गुस्से में, तो देख रही है, अये अये छुपा रही, मुंह छुपा रही, मुंह छुपा रही। तो यहाँ पर गाइज हम लोग हानिया को छेड़ रहे थे कि आयरा नहीं आएंगी, तू जा तू जा, तो वो कैसे घूर रही है गुस्से में देख रही है। मेरे फोन में पता नहीं क्यों आवाज नहीं आ रही, मतलब जो सामने वीडियो ले रहा है उसकी आवाज आ रही है, बैकग्राउंड मतलब थोड़ी दूर पे हम लोग जो बात करें वो आवाज नहीं आ रही, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पर। तो वही आहानिया को हम लोग सब छेड़ रहे थे, तो आयरा भी नाटक कर रही थी, बैठी नहीं थी, थोड़ा नाटक करके उसको थोड़ा सा वो करते, ये देखो ऐसे चप्पल उठा के मार रही है कि हम लोग आहानिया को मतलब तू जा आयरा को नहीं छोड़ेंगे, तो हम लोग को मार रही थी चप्पल उठा उठा के। तो ऐसे हम लोग की बस मस्ती चालू थी, निकल निकल, तो हम लोग को भी बोली थी निकल निकल, तो बस वही मस्ती मजाक करते करते बहुत अच्छा लगा। बच्चे लोग आए जरा देर के लिए आए, लेकिन अच्छा लग भी, लम्बो का आईफोन उठा दी उसने, तो हम लोग डर गए कि आईफोन उठा ली बोल के, तो उससे आईफोन छीने, अब वो जा रही है अपने घर जा रहे हैं ये लोग। सो गाइस यहाँ पर जैसे उसकी अम्मी उठी आयरा की, तो आयरा भी भागने लगी, तो मैं उसको पकड़ के खींच ली कि थोड़ा देर बैठ, तो उसको बाहर जाते वो देख क्या करती है कि आयरा को नहीं लेके जा रहे, आयरा को छोड़ रहे, तो फिर से चप्पल उठा रही, बस बार बार चप्पल उठा रही है, क्योंकि वो अकेले पड़ जाती तो आयरा के बगैर रहती नहीं, आयरा से लड़ती भी और आयरा के बगैर रहती भी नहीं। ये देखो कैसे जूता लाई मेरे सामने मारने के लिए मेरे को, लेकिन ये आयरा को लग गया जूता, और कैसे मेरे को उंगली दिखा रही है, तो वही दिखा रही थी, तो बस घड़ी घड़ी जूता उठा उठा के बस फेंक रही है।
तो आयरा भी रुकती नहीं है, पता नहीं, पहले छोटी थी तो रुकती थी, अभी वो बड़ी हो गई तो बस उसको मम्मी मम्मी लगती है, रुकती नहीं है। तो बस अभी लोग जा रहे हैं और मैं वही चिल्ला रही थी कि रुक रही नहीं है, तो बस अभी लोग निकलेंगे तो निकल गए लोग, बस जा रहे हैं अभी। तो गाइज ये है मेरा आज का आउटफिट। दुपट्टा अलग है कलर गाइज, क्योंकि इस पे का दुपट्टा मैंने बोली थी टेलर आंटी को कि दुपट्टा निकालना, और ये मैंने कुर्ता स्ट्रेट रखने बोली थी, इन्होंने फ्रॉक बना दी है। कोई नहीं, फ्रॉक भी आप बताओ अच्छा लग रहा है क्या, फ्रॉक भी कि मैं इसको स्ट्रेट कुर्ता बना दूँ। तो मैंने स्ट्रेट कुर्ता रहता था तो क्या बोलते दुपट्टा भी निकल जाता था, बट कुर्ता नहीं बना मतलब स्ट्रेट उन्होंने फ्रॉक बना दी है, मतलब ये कली कली वाला, तो ज़्यादा कपड़ा चला गया तो दुपट्टा नहीं निकला मेरा। तो माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, मतलब सब बोल रहे अच्छा लग रहा है तेरे पे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। अभी खाना हो गया, आप चलते हैं सोने, बहुत अभी नींद आई है गाइस, क्योंकि रात को भी 4 बजे उठे, फिर क्या बोलते हैं फजर तक जगे, फजर भी नहीं 8 बजे तक जगे, फिर 12 बजे उठी, खाना पकाना बर्तन झाड़ू ये वो सब लगा था। अभी जस्ट खा पी के सब फ्री हुए, भाई भाभी भी गए, लोग आए थे थोड़ी देर के लिए, उसको अपनी दवा लेनी थी, दवा लेके वो आ गया था थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ा बच्चे लोग भी से मिल लिए, बहल गया दिल। अब खा पी के अब आराम करते, थोड़ा मिलते हैं शाम में आप लोग से। एक चीज़ तो मैं बोलना ही भूल गई, आप सभी को हमारी तरफ से ईद मिलाद उन नबी बहुत बहुत मुबारक। बस आज मतलब बहुत बड़ा दिन है अपने, मतलब हमारे आका का पैदाइश का दिन, जो आमद हो गई सुबह सादिक के वक्त। और आज सबसे बड़ी बात यह है बहुत अच्छी कि आज मंडे का दिन है गाइस, पीर के दिन, वो पीर के दिन ही पैदा हुए थे और आज भी पीर ही है, सेम डेट और सेम मतलब सेम दिन है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। तो सबको बहुत बहुत मुबारक, दुआओं में याद रखना। अभी नाश्ता है, अम्मी गए थे बाहर, उनके क्लाइंट का एक हेयर कट है वो करके आए, तो साथ ही साथ नाश्ता भी लेकर आए, दही पूरी और शेवपुरी, और ये मेरा डिनर है गाइस भेल। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ काम से अम्मी के, मार्केट जाने का, उनकी लेगिंग लेने की है, शांतिनगर जा रहे हैं, और सॉरी फेशियल का किट भी लेने का है। तो अभी निकलते हैं, मिलते हैं आप लोग से बाहर। शांतिनगर से मम्मी का हम लोग ने फेशियल किट वो तो लिए मैं है, बोली वो लेने जा रहे हैं, राउंड मारने जा रहे हैं, वो नहीं बोली थी पहले। फिर उसके बाद फेशियल किट वगैरह लेके लेगिंग्स बाद लिए, चाय पिए पंडरपुरी, पंडरपुरी चाय पिए, लेकिन पंडरपुरी का टेस्ट बदल चुका, वैसा टेस्ट नहीं था ना शायद जाना। अपन बहुत दिन बाद करते अपने को ऐसा लग रहा, नहीं 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 पिए ना, बहुत टाइम बाद पिए, लेकिन वो फक्कल पानी लग रहा था आज, दो तीन महीने के बाद पिए मेरे ख्याल से, पता नहीं, वरना हमेशा जो टेस्ट रहता वो तो नहीं लगा मुझे, भैया चेंज हो गया था। हाँ भैया लड़कियों पे लगा है, अभी हम लोग जा रहे घर में। और आ गए हम लोग, जो भी मतलब लेना करना था, चाय वाय पिए भी आए, तो बज रहे 11:30। और ब्लॉग में यही एंड करती हूँ, आप लोग का हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी हम लोग ने कल किए कल से लेके आज तक, तो आप लोग देखना और कमेंट में बताना आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुभ रात्रि।